अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फ़िक्र हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मकदम है। आप तमाम हजरात को ईद सईद की पुरखलूस मुबारकबाद दिल की अथाह गहराइयों के साथ। आज मैं कोई नुस्खा लेकर हाजिर नहीं, बस इस ईद सईद की मुबारकबाद लेकर हाजिर हूँ और आपके हक़ में दुआएँ लेकर हाजिर हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस ईद सईद के तुफ़ैल में तमाम साल आने वाली ईद तक आपको तमाम बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से महफूज फरमाए, बिलखसूस इस कोरोना वायरस से हम सबको, मुल्क हिंदुस्तान को बिलखसूस महफूज फरमाए। और आप लोगों से एक मेरा अरीज़ा है, एक रिक्वेस्ट है कि आज के इस मुक़द्दस दिन में, ये बहुत बाबरकत दिन है, इसकी बरकतों का सदका और इसकी बरकतों का वसीला देते हुए अल्लाह पाक से दुआ करिए कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को वबाओं से महफूज रखे। और दूसरा काम आप ये करिए कि आपके आस पड़ोस में कोई गरीब हो, मसाकीन हो, ज़रूरतमंद हो, तो उनकी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखिए, चाहे वो कपड़े के साथ हो, पैसे के साथ हो, खाने के साथ हो, जिस भी तरीके से आपकी इस्तेआत है। और एक काम आपको ये करना है कि फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को ज़ुल्म से निजात अता फ़रमाए। और आखिरी में आपसे एक ये रिक्वेस्ट भी है कि घरों के अंदर रहें, सेफ़ रहें, स्टे होम स्टे पॉजिटिव। जब आप घरों के अंदर रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे, स्टे सेफ़, क्योंकि ये महामारी, इसकी चेन उसी वक्त टूट सकती है जबकि हम घरों के अंदर रहें और एक दूसरे से कांटेक्ट ना रहे हमारा। खैर, दिलों की दूरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फ़क्त जिस्मानी दूरी, और वो भी थोड़े से वक्त के लिए। फिर इंशाल्लाह वही बहारें होंगी, वही हिंदुस्तान फिर से खुल उठेगा, वही मौसम के अंदर फिर से खुशगवारपन पैदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मुल्क को तमाम वबाई बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।